जिले की घटिया विधानसभा के विधायक रामलाल मालवीय के नेतृत्व में आशीर्वाद गार्डन उज्जैन में सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी की उज्जैन प्रभारी शोभा ओझा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया तथा राहुल गांधी की पद यात्रा को सफल बनाने की चर्चा की गई। पहले महाकाल दर्शन करेंगे, सामाजिक न्याय में सभा होगी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिग्विजय सिंह आएंगे, विधायक रामलाल मालवीय ने बताया। चुरासा में विश्राम होगा, उज्जैन से आगरा आएंगे। 29 नवंबर को संभवतः राहुल गांधी उज्जैन आएंगे। उज्जैन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ 29 नवंबर को संभवतः उज्जैन आएंगे और महाकाल दर्शन करेंगे। राहुल गांधी यहां आम सभा भी लेंगे। यात्रा को लेकर शहर कांग्रेस भी तैयारी में जुटी है। ये जानकारी घटिया के विधायक रामलाल मालवीय ने गुरुवार को मंगलनाथ रोड पर आयोजित कार्यक्रम में दी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता शोभा ओझा, मनोहर बैरागी, अनंत नारायण मीणा, राजेंद्र वशिष्ठ सहित अन्य नेता मौजूद थे। विधायक मालवीय ने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा 29 नवंबर को उज्जैन में प्रवेश करेगी। सबसे पहले वे महाकाल दर्शन करेंगे, इसके पश्चात सामाजिक न्याय परिसर में सभा को संबोधित करेंगे। सभा के दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित आदि शामिल हैं। राहुल गांधी महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद महाकाल लोक जाएंगे या नहीं, अब तक तय नहीं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, राहुल जी जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं वो हर व्यक्ति के जीवन को छूते हैं। चाहे वो सामाजिक सौहार्द की बात हम कहें, चाहे महंगाई की, बेरोजगारी की, किसान आज परेशान है, कौन सा वर्ग आज खुश है इस सरकार से, कोई भी वर्ग आज खुश नहीं। चाहे महिलाओं की बात करें, अत्याचार, आदिवासी, दलित, सब पे अत्याचार बढ़ा है, अल्पसंख्यकों पे बढ़ा है, और जिन मुद्दों को लेकर राहुल जी चल रहे हैं आज इस देश की जनता समझ रही है कि राहुल जी कैसे नेता हैं, राहुल जी की सोच क्या है और उनका प्रण क्या है इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए। जहाँ तक आपने चुनाव की बात कही तो राहुल जी ने साफ कहा है कि चुनाव हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है कि इस देश की जनता एक हार में पिरो के उनको रखना है, इस देश की जनता, इस लोकतंत्र को बचाना है, देश के, इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश की जो पहचान, इस देश की जो ताकत है, एक अनेकता में एकता, उसको बचाना है, उसको आज खतरा है इस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, जिस तरह से धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जहर फैला रहे हैं, पूरे समाज को आपस में लड़ा रहे हैं, भाई भाई को लड़ा रहे हैं। उस विचारधारा को बदल के जो हमारी देश की नींव है, जो हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर हम रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, उसको ताकत देनी, इसलिए राहुल जी चल रहे हैं। यात्रा कब उज्जैन में आएगी? देखिए, राहुल जी की यात्रा अभी तो तारीख एकदम तय वाली नहीं आई है, एक टेंटेटिव डेट जो आई है कि 29 तारीख को राहुल जी उज्जैन पधारेंगे, और अभी तक का जो प्रोग्राम है उसके तहत एक आम सभा यहाँ प्रस्तावित है उज्जैन में, और साथ ही महाकालेश्वर के दर्शन भी करने राहुल जी जाएंगे।